नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली खबरें। गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य को युवक ने उतारा मौत के घाट, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। जयपुर एयरपोर्ट पर दो यात्रियों से जब्त किए 2,20,00,000 रुपए का सोना, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन पूरे, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य को युवक ने उतारा मौत के घाट, वजह ऐसी जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हां, प्रदेश की न्यायाधीन में इन दिनों लोग खुद को महफूज नहीं समझ रहे हैं। यहां लगातार हो रही वारदातों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बीते दिनों युवकों की सरेआम गोली मारकर हत्या और उसके बाद नाबालिग युवक पर ब्लेड से वार की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, वही अब एक और हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें स्कूल के प्राचार्य की हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला तारबाहर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक युवक ने पचपेड़ी गवर्नमेंट स्कूल के प्राचार्य को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, युवक ने प्राचार्य पर ब्लेड हथौड़ा और गमले से कई बार वार किया और उसे मौत के नींद सुला दिया। वहीं पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले युवक उपेंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि स्कूल का प्राचार्य उसकी प्रेमिका को परेशान करता था। जी हाँ, इससे नाराज होकर उसने प्राचार्य की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच का कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, दो यात्रियों से जब्त किया 2,20,00,000 रुपए का सोना। जी हाँ, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए 3 किलो 751 ग्राम तस्करी का सोना जब्त कर दो यात्रियों को पकड़ा है। जब्त किए गए सोने की बाजार कीमत 2,20,00,000 रुपए आंकी गई है। जी हाँ, कस्टम विभाग के अधिकारी पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि तस्करी का सोना कहां पर पहुंचाया जाना है, सोना तस्करी में और कौन कौन लोग शामिल है। फिलहाल कस्टम विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। कस्टम विभाग की उपायुक्त निलिंगा खोरवाल ने बताया कि गुरुवार को यात्री दुबई से स्पाइस एजेंट की फ्लाइट में बैठकर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। यात्री पर संदेह होने पर कस्टम विभाग की टीम ने उसे रोककर एक्सरे मशीन में बैग की जांच की गई। जी हां, पूछताछ करने पर यात्री संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया और किसी भी प्रकार की वस्तु को अपने पास होने से इनकार कर दिया, जिस पर फिर से कस्टम विभाग की टीम ने यात्री के सामान की सघनता से जांच की तो उसके पास मिले बूफर में सोना बरामद हुआ। जी हाँ, टीम ने यात्री के पास 1,95,48,230 रुपए का 3 किलो 499 ग्राम तस्करी का सोना बरामद किया है। कस्टम विभाग के अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कस्टम विभाग की टीम ने दूसरी कार्रवाई करते हुए 14,19,860 रुपए का 254 ग्राम तस्करी का सोना बरामद किया है। यात्री जूने में सोना छुपाकर लाया था। कस्टम विभाग की टीम ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सोना जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन पूरे। जी हाँ, राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। ये यात्रा अभी राजस्थान में है। जी हाँ, जहां राहुल गांधी लगातार जनता से मुलाकात कर रहे हैं। शुक्रवार को दौसा से यात्रा की शुरुआत हुई और गिरिराज धरन मंदिर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोपहर का विश्राम किया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यात्रा के 100 दिन पूरे होने के चलते आज राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथ ही मीडिया से अपने अनुभवों को साझा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज यात्रा को 100 दिन पूरे हुए है, यात्रा का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हमारे जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर ही राहुल गांधी यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश के लोगों को इस यात्रा से राहुल जी का पक्ष देखने को मिल रहा है। वही अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए वेणुगोपाल ने लिखा कि ऐतिहासिक यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। जी हाँ, ये यात्रा देश को नफरत, कट्टरता, विभाजन, हिंसा, अन्याय, बेरोजगारी आदि के खिलाफ एकजुट करती है। भारत जोड़ो यात्रा ने 8 राज्यों और 2763 किलोमीटर को कवर कर लिया है। राहुल लाखों लोगों का दिल जीत रहे हैं। प्यार और सौहार्द के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें।
इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो, आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा ऐसे ही कुछ खास सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।